Namaste everyone, this is Garima Goyal and I welcome you all once again in my channel YogaRima. Every yogi has a dream posture. As if I talk about myself, my dream posture was one-legged king pigeon pose या फिर एक पाद राजकपोतासन। तो जब हम बात करते हैं अपने एक ड्रीम पोस्चर्स की, तो उसे अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी होती है, बहुत सारा अपना डेडिकेशन देना होता है। तो जैसा कि राजकपोतासन मेरा ड्रीम पोस्चर्स है, आई होप आप में से भी काफ़ी योगी एस्पिरेंट्स का ये एक ड्रीम पोज होगा। तो क्यों ना आज हम इसे स्टेप्स में सीखें और अपने ड्रीम पोस्चर्स को पूरा होते हुए देखें। जैसे कि एक पाद राजकपोतासन एक एडवांस आसना है और ये आपकी बहुत अच्छी हिप ओपनिंग की डिमांड करता है, साथ ही साथ आपकी बैक बेंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो किसी भी एडवांस पोस्चर में हम कभी भी डायरेक्ट नहीं जाते हैं, उसके पहले उसकी कुछ प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है उस पोस्चर में जाने के लिए और साथ ही साथ उसमें कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करने के लिए। सो विल स्टार्ट विथ सम प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस फॉर वन लेगेड किंग पिजन पोज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट प्रिपरेटरी एक्सरसाइज। क्योंकि राजकपोत आसन में आपकी बैक बेंडिंग बहुत अच्छी और स्ट्रांग होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम अपनी बैक को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। सबसे पहले हम भुजंगासन में आएंगे और डायनेमिक वे में इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड होल्ड करेंगे इसी पोस्चर में। अपनी बैक को फ्लेक्सिबल फील करते हुए, स्ट्रॉन्ग फील करते हुए स्टे हियर। अपनी दूसरी प्रैक्टिस के लिए हम फिर पेट के बल पे लेटेंगे, अपने लेग्स को फोल्ड करेंगे, दोनों एंकल्स को राइट और लेफ्ट साइड से होल्ड करेंगे, पोजीशन लेंगे धनुरासन की, लेग्स को अच्छा स्ट्रेच, चेस्ट को अच्छा स्ट्रेच एंड नाउ वी विल रोल। 1, 2, 3 एंड होल्ड, होल्ड हियर, स्लोली डाउन एंड रिलैक्स इन चाइल्ड पोज। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम पहले पर्वतासन में आएंगे, अपने एक लेग को लिफ्ट करेंगे और धीरे से उसे फोल्ड करते हुए आगे की ओर प्लेस करेंगे। अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपका पिछला पैर एकदम फ्लैट हो, आपका पंजा फ्लैट रहे, आपका हिप और हील एक लाइन में प्लेस हो। इसी पोजीशन में बैठेंगे, इनहेल करते हुए बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट and if you are a beginner you can take the support of blocks also and hold 5, 4, 3, 2, 1 slowly release। next practice hum karenge apni back leg ko uthane ke liye, to iske liye hum ise hold karenge 1, 2, 3, 4 and now try to hold it with both your hands, make a clutch and stretch it back 1, 2, 3 and hold 3, 2, 1 slowly release and relax। next practice हम करेंगे अपनी belt की मदद से। क्योंकि king pigeon में जब आप अपने leg को fold करते हैं तो आपको shoulder rotation की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो किस तरीके से हम अपने shoulder rotation को strong बना सकते हैं, we'll take the help of a strap। अपनी strap में एक loop बनाए, उसको अपने बैक लेग में होल्ड करें अच्छे से। कोशिश करें आप बेल्ट को जितना नज़दीक से हो उतना नज़दीक से पकड़ें
एंड धीरे से अपनी लेग को मैक्सिमम पास में लाएंगे अपने शोल्डर के और अपने शोल्डर को रोटेट एंड अप इनसाइड रोटेशन एंड लिफ्ट योर एल्बो अप इनसाइड रोटेशन एंड होल्ड 3, 2, 1 जब आप शुरुआत करते हैं बेल्ट के साथ तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आपके शोल्डर अच्छे से स्ट्रेच होने लगे तो आप एक लेवल आगे जा सकते हैं आप डायरेक्टली अपने टो को होल्ड कर सकते हैं एंड फिर शोल्डर को रोटेट करने का प्रयास 1, down, 2, down एंड होल्ड 3, relax अब हम एक पादराज कपोतासन में आने का प्रयास करेंगे कंप्लीट करेंगे अपना पोस्चर और पहले हम मदद लेंगे अपनी योगा स्ट्रैप की तो सबसे पहले योगा स्ट्रैप हमारे पैरों में बंधा हुआ ही है अपनी बॉडी को फिर से अलाइन करें आपका चेस्ट इस तरीके से साइडवेज नहीं रहना चाहिए आपको अपने चेस्ट को पूरी तरह से लिफ्ट करते हुए फ्रंट फेसिंग रहे आपका फ्रंट नी फोल्डेड आपका पिछला पैर बिल्कुल स्ट्रेट आपका हिप और हील एक लाइन में अब हम आ रहे हैं अपने पोस्चर में होल्ड करें अपने बेल्ट को अपने लेग को मैक्सिमम क्लोज टू योर शोल्डर एंड नाउ रोटेट इसी पोजीशन में होल्ड करें अपने दूसरे हाथ को अपने अदर हिप के पीछे सपोर्ट के लिए रखें और जब आपका बैलेंस बन जाए तो धीरे से आप अपने दूसरे हाथ को भी उठा सकते हैं अपने बेल्ट को होल्ड करें और मैक्सिमम पीछे जाते हुए बेल्ट को एक एक स्टेप आगे लेते हुए धीरे से इफ यू कैन होल्ड योर टो होल्ड इट एंड टच ट्राई टू कीप योर एल्बोज स्ट्रेट अपसाइड एंड स्लोली रिलीज करेंगे और रिलैक्स करेंगे जब आप बेल के साथ कॉन्फिडेंस हो जाएं, तो आप अब इसे डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं तो उसके लिए सेम हमें पोजीशन लेनी है राजकपूत की धीरे से अपने बैक लेग को लिफ्ट करें फोल्ड करते हुए उसके टो को होल्ड करें दूसरे हाथ का आप इनिशियली सपोर्ट ले सकते हैं एंड धीरे धीरे रोटेट योर शोल्डर गो इन द पोस्चर लिफ्ट योर अदर हैंड होल्ड द टो टच योर हैंड एंड स्लोली रिलीज एंड फील दैट अचीवमेंट So this was all about one-legged king pigeon pose. तो आपने देखा और सीखा किस तरीके से अगर हम step wise जाते हैं तो किसी भी advanced posture को बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं तो एक पादराज कपोतासन में जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में देने की बात वो है कि आपका पिछला लेग पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए आपकी थाइस इनवर्डली रोटेट रहनी चाहिए आपका पंजा फ्लैट रहना चाहिए और आपका हिप और हील एक लाइन में होना चाहिए योर हिप शुड बी स्क्वायर एंड योर चेस्ट शुड बी फ्रंट फेसिंग नॉट साइड फेसिंग एंड आपकी बैक को एक अच्छा सा बैंड दें और धीरे धीरे विद अ प्रॉपर इनहेल एंड एक्सहेलेशन यू ट्राई टू गो इन द पोस्चर और जैसा कि हमने बेल्ट की सहायता से भी किया तो अगर आप बिगिनर हैं अपनी प्रैक्टिस आपने अभी शुरू करी है तो आप बिल्कुल बेल्ट की मदद लें क्योंकि प्रॉप्स बने ही हमारे आसनास की हेल्प करने के लिए हैं एंड व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस विद योर प्रॉप देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन गेट रिड ऑफ देम सो दिस इज ऑल अबाउट एक पादराज कपोतासन आई होप जिस तरीके से मैं अपनी ड्रीम पोस्चर को अचीव कर पाई आप भी बहुत ही जल्दी अपने इस पोस्चर को अचीव कर पाएंगे और इसमें फिर हम ढेर सारे वेरिएशंस भी सीखेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियोस सो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली देखें और हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करें
But still, when you are practicing or अगर कोई भी आपको difficulty आती है, you can ask me your queries in the comment box. And do like and share the videos and please subscribe my channel. Thank you so much.